प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो अशोक का जो सारनाथ जो सिंह का स्तंभ लेख है, इसमें धर्म परिवर्तन की घटना और धर्म संघ की यानी कि अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए एक 45 फुट लंबा बलुआ पत्थर से निर्मित जो कि चुनार से मंगाया गया था। और यहाँ पे ये दो भाषी है। कैसा है? दो भाषी है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वो दो लिपि कौन सी है? यहाँ पे ब्राह्मी और खरुष्टी लिपि हैं। ये दोनों ईरानी लिपि हैं, ध्यान रखेंगे, जो कि अशोक के अभिलेख में। यहाँ पर अशोक ने पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध को के जो शांति का संदेश और अहिंसा का संदेश को फैलाया। यानी कि अगर आप देखते हैं कि बुद्ध यानी हमारा देश शांति का देश है, ठीक है, और कैसा है यानी कि अहिंसा का देश है। आगे यहाँ पर बात करते हैं ये सब क्या है हमारा देश, क्योंकि बोध है, ठीक है, बोध यानी कि बोध से ही यानी कि शांति का देश है। और इस पर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो वो खुद यानी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, यानी कि बुद्ध के देश यानी कि भारत से आया हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पर धर्म चक्र यानी कि जो है इसमें मध्य में जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इसके मध्य में क्या दिया गया है? ये धर्म चक्र दिया है। धर्म चक्र का मतलब है यही, यहाँ पर जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध ने पहली बार यानी कि उपदेश दिया, धम्म की नीति को स्टार्ट किया, और यहीं पर है कि धर्म चक्र। तो यहाँ पर धर्म चक्र के पश्चिम में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूछ लेता पश्चिम में क्या है कि बैल है, ठीक है। अब पूरब में कौन सा है? यानी कि हाथी, ठीक है, हाथी है। और जो दक्षिण में जो दिया है क्या है? घोड़ा, ठीक है। और उत्तर में जो है क्या दिया गया है? उत्तर दिशा में यानी कि चार शेर यानी कि शेर आकृति आपको दिखेंगे, ठीक है, वो कौन सी है? ऊपर है नॉर्थ में। और जो कमल का जो फूल है वो कहाँ है? जो कमल फूल के अंदर रखा गया है, जो हमारा प्रतीक चिन्ह आप देखते हैं, आप बार बार हर जगह आपको दिखाई देगा ये प्रतीक चिन्ह भारत में। आगे देखेंगे नेक्स्ट में। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 232 ईसा पूर्व, ठीक है, कि जब अशोक का जो साम्राज्य जो विस्तार हो गया था, तो यहाँ पर अफगानिस्तान, ठीक है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान से लेकर यानी कि जो हिंदू कश पर्वत है और जो तक्षशिला है, ठीक है, जो हमारा उत्तर भारत में पड़ता है, और यहाँ पे जो दक्षिण में यानी कि गोदावरी नदी, गोदावरी नदी और सुरवण नदी, ठीक है, यानी मैसूर तक यानी कि ये कर्नाटक तक फैल गया। और पूरब में यानी कि कहाँ तक साम्राज्य विस्तार था? बंगाल तक, बंगाल के तक यानी कि अशोक का साम्राज्य था। इसलिए अशोक को चक्रवर्ती सम्राट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो है 26 जनवरी 1950 को यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था जो अशोक यानी कि हमारा जो प्रतीक चिन्ह है यानी कि जो अशोक यानी कि जो लाठ है या जो प्रतीक चिन्ह है वो अपनाया गया था। यहाँ पे इस रूप में मान्यता कब मिली? यानी कि 26 जनवरी 1950 को, ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यह प्रतीत हो, ठीक है, यह जो प्रतीत है यानी कि जो पासपोर्ट नोट से लेकर हर सरकारी ठीक है, सरकारी लेटर पैड पर देखा गया, यानी कि जो ये प्रतीक चिन्ह है यानी कि प्रतीक है, यहाँ पे प्रतीत नहीं है, यानी कि प्रतीक चिन्ह, ठीक है, जो प्रतीक है यानी कि जो चिन्ह है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये सब जगह हमें दिखाई देता है, पासपोर्ट नोट, ठीक है, सरकारी लेटर पैड हर जगह यानी कि राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह ये दिखाई देता। आगे देखेंगे यहाँ पर 11 जुलाई 2022 में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी के तहत, ठीक है, नई दिल्ली की जो संसद भवन का निर्माण हो, तो इसकी जो छत है इसकी छत पर 6.5 मीटर यानी कि लगभग 20 फुट ऊंची प्रतिमा जिसका जो वजन है यानी कि 9500 kg है, और ये कांच से निर्मित प्रतिमा है, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, ठीक
ठीक है, यानी कि अशोक चिन्ह यहाँ पर अशोक की लाख, यानी कि इसका जो कमल का जो नीचे का जो ढांचा है जो इसको सपोर्ट करता है, जो वो एक यानी कि 6500 केजी का जो सहायक संरचना जो कि स्टील से निर्मित है, जो नीचे कमल का फूल है यानी उसके ऊपर वहां पर आपने देखा है रखा गया। तो इस तरह से यानी कि और इसका यानी अनावरण जो किया था तो यहाँ पर 11 जुलाई को किया था, यानी कि नई पार्लियामेंट में यानी विश्वा में। तो यहाँ पर देखेंगे यानी कि तत्कालीन यानी कि प्रेजेंट जो वर्तमान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र, ठीक है नरेंद्र, ठीक है यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है तो मोदी जी के जो द्वारा जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के द्वारा यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कब अनावरण किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अशोक की लाठ, ठीक है अशोक की लाठ यानी सारनाथ जो वाराणसी, ठीक है ये संग्रहालय में रखी हुई है जो अशोक ने यानी कि सारनाथ में लगाया था, तो वहां पर एक संग्रहालय उसमें रखी गई। यहाँ से देखते हैं कि जो ये यहाँ पर प्रतीक जो चिन्ह जो यहाँ पर लिए गए हैं तो यहाँ पर ये बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं। किसके हैं? बुद्ध के जन्म के प्रतीक हैं। यहाँ पर जो बुद्ध का ठीक है जो जन्म है, जो जन्म का प्रतीक क्या है तो यहाँ पर कमल और सांड, ठीक है क्या है प्रतीक चिन्ह कमल और सांड के रूप में है, ठीक है कमल की तरह पुष्प की तरह एक बच्चे का सांड के जैसे बच्चा होता है उस तरह से महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। आगे चलते हैं, भगवान गौतम बुद्ध जो है कि जो साहस और शक्ति के कारण, ठीक है इन्हें अश्व या घोड़ा, ठीक है जो प्रतीक चिन्ह क्या है घोड़ा है। आगे चलते हैं, गर्भाधान का जो प्रतीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब, इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिए। तो गर्भाधान का प्रतीक क्या हाथी, क्योंकि गर्भ के हाथी के रूप में यानी कि जो इनकी माता थी महामाया उनके यानी कि गर्भ में धारण किया थे यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध, ऐसा बताया जाता है बौद्ध ग्रंथों में। आगे चलते हैं, यहाँ पर ग्रह त्याग, तो ग्रह त्याग के लिए क्या है घोड़ा, ठीक है क्योंकि इनका घोड़े का नाम क्या था अश्व यानी घोड़ा यानी कंथक क्या था, और इनका जो सारथी था महात्मा गौतम बुद्ध का चन्ना सारथी था। इन सबको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में बार बार दिखते हैं और पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट में, ठीक है यहाँ पर जो विजयादशमी का जो त्योहार है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है यहाँ पर विजयादशमी का जो त्योहार है जो बौद्ध लोग हैं या बौद्ध परंपरा के जो लोग हैं जो अंबेडकरवादी हैं, ठीक है तो वो ज्यादातर जो मानते हैं यानी कि जो विजयादशमी का जो त्योहार है वो कैसे यानी कि बौद्ध परंपरा से रिलेटेड मानते हैं, और ऐसा मानते हैं कि जो विजयादशमी है, ठीक है जो विजयादशमी जो हम दशहरा मनाते हैं यानी कि जिसमें हिंदू मान्यता के अनुसार जहाँ पर राम और रावण का युद्ध और दशहरा यानी कि दशानन यानी रावण को फूंका जाता, दशहरा का मतलब ये दशानन यानी कि 10 फूंक वाले जो रावण है उसको फूंका जाता है, वो हिंदू मान्यता के अनुसार है। लेकिन बौद्धिस्ट या इसको क्या कहते हैं कि जो उनकी मान्यता है जो उनके ग्रंथ हैं जो कि बहुत ही सटीक जानकारी देते हैं, ठीक है क्योंकि राम के बारे में हमें बहुत अच्छी यानी कि सटीक नॉलेज किसी भी ना तो इतिहास की किताब में मिलती है और ना ही किसी ग्रंथ के अंदर उनके जन्म को लेकर और उनके लेकर के बहुत लोगों में यानी कि अलग अलग मत हैं, अलग अलग राय है, और कुछ लोगों का मानना है जैसे पेरियार वगैरह है कि राम जो है या जो पेरियार जो है द्रविड कड़गम आंदोलन जो दक्षिण भारत में चलाया था जिसमें सच्ची रामायण है कि राम एक काल्पनिक है, ठीक है ऐसा यानी कि पेरियार जो महात्मा थे उनका मानना है, और जो ठीक है और एक ठीक है महाराष्ट्र के ही संत हैं, ठीक है तो अभी बताते हैं उनका भी मानना है कि यानी कि राम जैसी कोई थे नहीं थे, लेकिन माना जाता है एक परंपरा चली आ रही है
लेकिन जो बुद्ध बौद्धिस्ट है वो ऐसा मानते हैं कि जो अशोक के द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, वहाँ के शासक को हरा था, क्योंकि कलिंग जो था वो मध्य में पड़ता था धन और संपत्ति, और जब तक यानी कि कलिंग को नहीं जीता जाता तब तक यानी कि सम्राट जो अशोक है वो चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाता। इसलिए यानी कि अशोक को कलिंग को जीतना अनिवार्य ही था, इसलिए कलिंग पर उसने आक्रमण किया और जिसमें एक विजय हासिल की। आगे चलते हैं, इसलिए उसको चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे चलते हैं, अशोक ने क्योंकि जो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा ली थी, बताया जाता है कि यानी कि ठीक है निग्रोध से जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली या उपयोग से ली थी, तो वो जो समय था यानी कि विजयादशमी, ठीक है बौद्ध धर्म की दीक्षा यानी कि विजय दशमी के दिन ली। आगे चलते हैं, जब उस समय विजयादशमी थी, आगे चलते हैं जब इसे ये विजयादशमी मनाई जाती है ऐसा मान। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो अशोक ने, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि 84 लाख यानी कि हमने भी किताबों में यहाँ पर पढ़ा है कि 84,000 यानी कि बौद्ध स्पूतों की ठीक है रचना की थी, ठीक है स्थापना की थी अशोक ने भारत में, यानी कि विभिन्न स्थानों पर पूरे भारत में यानी कि लगभग 84,000 बौद्ध स्पूत और अनगिनत चैत्य और बिहारों का निर्माण किया था यानी कि अशोक ने किया था। तो यहाँ पर जो जानकारी है, क्योंकि जब ये प्रत्येक वर्ष में ठीक है जब आते थे, जब ये जब यानी कि इन्होंने दीक्षा के लिए और यह विजय प्राप्ति के लिए, तो उसी के उपलक्ष में ठीक है और धम्म की नीति को जारी रखने के लिए जो वहाँ के जो बौद्धिस्ट जो लोग थे यानी कि जो भिक्षु लोग थे या जो भिक्षुणियाँ थी, तो वहाँ पर हर जो स्पूत जो बने रहते थे तो वहाँ पर क्या करते थे यानी कि हमारे भारतीय लोग यानी कि बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के द्वारा यानी कि वहाँ पर दीपक जलाते थे, क्या है दीपक जलाते थे और लोगों को आचार और ठीक है और नियम और संदेश वहाँ पर धम्म नीति का उपदेश देते थे, तो वो कहा जाता था दीप जलाए जाते थे। तो वहाँ पर 84 बौद्ध यानी कि जो स्पूत थे, तो तभी से क्या यानी कि भारत में यानी कि जो विजयादशमी का जो जो दीपोत्सव जो मनाया जाता है या दीपावली, वो सब यानी कि या विजयादशमी विजय के कारण और दीपोत्सव जो दीपावली भी जो मनाई जाती है, तो वहाँ पर वो बौद्ध यानी कि पहले परंपरा थी ऐसा बौद्धिस्टों का मानना है। और बाद में जो क्योंकि बौद्ध धर्म का जब ये पतन हो गया और जब महायान जो शाखा थी वो ठीक है वो भी यानी कि हिंदू जो धर्म के जो लोग जो थे तो उसको आडंबर को मानने लगे, ठीक है जो महायानी बौद्ध थे तो वो मानने लगे यानी कि तरह तरह के यानी कि देवी देवता का निर्माण करके, जैसे अब अवलोकेश्वर वगैरह वगैरह आप देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ पर दो शाखाओं में डिवीजन हो गया और कुछ यानी कि अपने फायदे के लिए या लाभ के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से विभिन्न यानी कि मूर्तियों का निर्माण किया विभिन्न विभिन्न टाइप की। तो ये पहले जो बौद्ध यानी जो थेरवादी थे, तो यहाँ पर बताया जाता है कि दीप जलाए जाते थे ऐसा यानी कि बौद्धिस्टों का मानना, और उसी कारण से दीपावली और जो विजयादशमी का जो त्यौहार है ये पहले बौद्ध परंपरा थी, बौद्ध त्यौहार था, और बाद में क्योंकि जब बौद्ध धर्म यहाँ से ठीक है नक्साई हो गया, ठीक है लगभग यानी कि कम हो गया बहुत मात्रा में, तो फिर यानी कि ब्राह्मणों ने उनके देवी देवताओं पर ही मान करके और यानी कि जो है विजयादशमी का त्यौहार मनाने लगे। ऐसी कुछ कहानी जो है राम के आधार पर गढ़ ली गई या काल्पनिक हैं या नहीं है इसके बारे में हम नहीं कह सकते, ठीक है इसके बारे में हमने कोई भी नहीं, क्योंकि इतिहास में वेदों में
कहीं ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं है जिनके आधार पर हम भी कोई ऑथेंटिक जानकारी दे सके। तो वहाँ पर ये जो ये आपकी एकदम ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रंथों में इसकी जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि ठीक है सम्राट अशोक के बारे में। तो यहाँ पर ये चलता आगे चलते हैं, यहाँ पर विजया जो दशमी है के दिन यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही यानी कि 3.5 लाख लोगों के साथ यानी कि नागपुर में ठीक है घोषणा की थी और दीक्षा भी ली थी। और यहाँ पर नागपुर में यानी कि 14 अक्टूबर और यानी कि अक्टूबर का ही माह था 1956 में विधिवत रूप से यानी कि हिंदू धर्म को त्याग कर यानी कि बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। और इसी दिन बताते हैं कि जो बाबा साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये यानी कि नागपुर में यानी लगभग यानी कि 1940 के आसपास की बात, तो वहाँ पर ये घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म त्याग दूंगा। तो घोषणा करना और फिर बौद्ध धर्म को अपना लेना, तो यहाँ पर उस समय बताया जाता है कि यानी कि विजयादशमी की यानी कि थार था। और उस समय यानी कि 3.5 लाख लोगों के साथ बाबा साहब ने नागपुर में यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म का त्याग किया था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए अलग अलग मानता है, ठीक है हम इस पर नहीं कह सकते, बौद्धों की अलग मानता है, हिंदुओं की अलग मानता है, लेकिन ठीक है जो आदमी जो भी मान रहा है वो ठीक है उचित है। चलिए तो हमने दोनों ही मान्यताओं को ध्यान में रखा है, यानी कि पंथ निरपेक्षता का यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो हमारा संविधान कहता है ठीक है अपनी बात रखने का, तो यहाँ पर बात रखा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।